तूने किसी रजिस्टर में चढ़ाया? कोई डीडीआर काटी? बिल्कुल समानांतर थाना चला रहे हैं आप, बिल्कुल समानांतर प्राइवेट थाना। ये तो सर रात रूटीन के आई होंगे। अरे ये इतनी बड़ी दरखास्त है, ये पड़ी गदर मचा रखा है यार तुमने तो। गृह मंत्री अनिल विज ने परिवेदना समिति की बैठक के बाद रोहतक शहर के सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया और अनियमितताएं पाए जाने पर थाना प्रभारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक अलमारी में 2 कार्बाइन और 1 पिस्तौल लोडेड थी और अलमारी का ताला भी बंद नहीं था। इसके अलावा दर्ज शिकायतों को लेकर भी रजिस्टर नहीं किया गया था और जब इस बारे में थाना प्रभारी से पता किया तो वे कोई भी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि थाना प्रभारी एक तरह से प्राइवेट तौर पर थाना चला रहे थे। गृह मंत्री ने इस बारे में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि यह पता करे कि जो असलाह अलमारी में रखा था वह किस पुलिसकर्मी को अलॉट किया गया था। गृह मंत्री अनिल विज के निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा रहा। करीब 1.5 घंटे तक गृह मंत्री ने थाने का रिकॉर्ड भी खंगाला और सभी कमरों में जाकर निरीक्षण किया। हालांकि थाना प्रभारी ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया लेकिन गृह मंत्री ने एक नहीं सुनी और कहा कि जो कर दिया कर दिया। यहाँ काम नहीं है, खाली गई बात है, एक ही दरखास्त की। अरे वहाँ कौन सी अलमारी में कागज नहीं मिले? अलमारी साफ कर दिया सारा? नहीं सर, जब तक मैं उधर लगा रहा तुमने इधर साफ कर दिया। मतलब जनाब के बाद कर जाएगी, ये हो ही नहीं सकता कैसे बिल्कुल खाली ये तो ये ऊपर से और चलता हूँ ऊपर। इसका बताओ भी लिखो सबका। फोटो खींच भी इसके दविंदर इसमें लिख दिया जी, अभी हम कार्रवाई नहीं चाहते। नहीं, अगर कोई स्टेट क्राइम अगेंस्ट स्टेट है तो कोई लिख सकता कि हम कार्रवाई नहीं चाहते? सर उसने लिखा हम दोबारा तो क्या कार्रवाई है? क्या क्या इस डॉक्टर ने कोई दवाई तो किसी रजिस्टर में चढ़ाया?
कोई DDR काटी, बिल्कुल समानांतर थाना चला रहे हैं आप, बिल्कुल समानांतर प्राइवेट थाना। ये तो सर रात रूट किंग के आयो ने। अरे ये इतनी बड़ी दरखास्त है, ये बड़ी, ये बड़ी। इस पर समझौता हो रही है? क्या कार्रवाई हुई? समझौता हो रही है? समझौता चढ़ाया कहीं पे भाई? ऐसे कैसे हो गया समझौता? कोई DDR काटी आपने? यहाँ आप मुझे बताइए, आपके हर टेबल से लोगों की दरखास्तें मिल रही हैं और आप सबका ये कह रहे हो कि मैंने राजीनामा हो गया। तो भाई कर दिया राजीनामा, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर आपने कोई DDR काटी, कोई FIR काटी, कोई मेडिकल करवाया या ले दे के हो गया? ये तो उसी दिन की होगा, उसी दिन लिख दिया ना, ये तो बोलता ना अपने भाई। फिर क्या हो गया? 12/8 का बताओ ना, पर्चा दर्ज हुआ हुआ 12/8 मुझे रजिस्टर में दिखाओ ना, मुझे कागज ये रख भाई, फोटो खींच इसके, सारे कागजों के खींचो अलग अलग से। गदर मचा रखा है यार तुमने तो। देखिए इस थाने में सारी अनियमितताएं मिली, लोगों की दरखास्तें अलग अलग अलमारियों में लंबे समय से पड़ी हुई मिली हैं, जिनको किसी रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया, ना DDR काटी गई है, ना FIR काटी गई है। एक अलमीरा में, लकड़ की अलमीरा में 2 कार्बाइन और 1 पिस्टल रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर एंड लोडेड कार्बाइन वहाँ पड़ी है, जबकि नियम के अनुसार कोर्ट में से ही हथियार जाता है और आकर कोर्ट में जमा कराना होता है। वो हथियार किन के हैं भाई? नहीं नहीं इस यहाँ रखे किसने? ये तो इस मुंशी के पास मुंशी ने रखे। नहीं कोई आगे रख के क्या होगा? आपने चार देखे मुंशी, पता है किसने रखे हैं? मेरे सर यार मुंशी ने जमा करेगा, मुंशी ने जमा करेगा माल खाने। भाई ये किसकी कार्बाइन थी? किसके थे हथियार? जो भी जो किलर है नाम क्या है, नाम बताओ। ये यहाँ आप कौन रख के गया था? दोनों के नाम बता, नाम बता दे, तीनों के बता दे, बता दे किस किस के नाम ये लॉट हुई हुई थी। रजिस्टर दिखाओ, तुमने लॉट करी होंगी किसी को तो करी होंगी ना, जा ऐसे ही पकड़ा देते हो ले दो भाई है, किसी को तो लॉट की होंगी ना। कौन रख के गया यहाँ पे? उन तीनों आदमी को सस्पेंड किया जाता जी, जो भी 3 आदमी हैं ये पता करो भाई, पता करो SP साहब को बताओ। तीनों आदमी ठीक है ना जी, इसका सुना ये तो ग्रॉस मिस वो है, पूरी तरह से एक समानांतर थाना यहाँ पर चलाया जा रहा है, एक सरकार का और एक यहाँ के SHO का थाना है, कि जो इनके लेवल पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। अनेकों दस्तावेज हमें मिले, हमने ले लिए अपने कब्जे में, इनकी कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारी FIR की कॉपीज भी मिली हैं, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में लिए हैं, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और टोटल कितने सस्पेंड किए? एक SHO नरेश चंदा, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का? वरिंदर, एक हेड कांस्टेबल और 3 आदमी वो जिनके हथियार हैं जी। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। हथियार हमने SP साहब को हैंडओवर कर दिए,
कि ये हथियार यहाँ पर अनअटेंडेड पड़े हुए हैं और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अंदर थाने में आके हथियार उठा के कोई कार्रवाई कर सकता है। तो वो हमने एसपी साहब को दे दिए हैं, एसपी साहब उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये किस किस के हथियार थे, कौन कौन रख के किया था, और उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो करेंगे ही, लेकिन सस्पेंड में अभी कर। ये चीज़ें फाइंड आउट करते हो लेकिन इनकी सुविधाओं की तरफ भी आपको ध्यान, क्योंकि थानों में स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, आज भी दस्ते मंगवाए जाते हैं, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट भी मैंने देखे हैं सारे। इसमें कुछ शिकायत नहीं।